बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, बाय डिटरमिनेंट वी कैन एसोसिएट ए रियल नंबर विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। वी कैन एसोसिएट ए रियल नंबर विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस रियल नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नंबर इन द मैट्रिक्स। इन पर्टिकुलर वे डिटरमिनेंट are used to for solving system of linear equations. Remember, the determinant of a non-square matrix not possible. भाई सबसे पहले आपको स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट बनेगा जी। जो स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट बनेगा, ये जो नॉन होगी ना स्क्वेयर, ठीक है जी, मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट वन। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर बाबर अली, और आपने ये पब्लिशर है जी इट्साम पब्लिशर्स उर्दू बाजार लाहौर जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2x2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2x2, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2x2, A11, 12, 21, 22। A11 का पहली रो पहला कारण, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कारण, 21 का मतलब दूसरी रो पहला कारण, 22 का मतलब दूसरी रो को दूसरा कारण। डिटर्मिनेंट को आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, मैट्रिक्स को इस तरह ब्रैकेट्स में लिखना है, डिटर्मिनेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, नाम कैपिटल होगा, अंदर एंट्री स्मॉल होंगे जी। डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द नंबर ऑब्टेन बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन the diagonal elements जी, multiplying the diagonal elements जी। जरा देखिएगा ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, पहले आपने इसको इसके साथ रख देना जी। भाई A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना इसको इसके साथ, पहले इस डायगनल को जरूरत देनी है, फिर माइनस करके इस डायगनल को जरूरत देनी है जी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट तो लाइन सीधी आएंगे, मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर 2x2 है, तो क्या होगा 1 को 4 के साथ माइनस लिखे, 2 को 3 के साथ, तो वी गेट -2 जी। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3x3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका आर्डर हमारे पास है 3x3, ये हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर 3x3 है, A11, A12, A13, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। भाई इसके डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस हम यूज करेंगे जी। अब इसको खोलना कैसे जी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1 जी, तो पहला एलिमेंट आएगा जी, आगे डिटर्मिनेंट आएगा जी। A11 की बात हो रही तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे तो ये एलिमेंट लिखेंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहला एलिमेंट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब तो देखेंगे जब पहले एलिमेंट की बात करेंगे इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, वी राइट दिस। जब A12 की बात करेंगे इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे। जब A13 की बात करेंगे तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, वी राइट दिस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस इसके साथ, नाउ वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन वी राइट दिस जी। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देखे, हम इसको देखते हैं, ए हमारे पास है, ये मैट्रिक्स है 3x3 का, इसको डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे, सबसे पहले इसकी लाइन सीधी करेंगे। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे 1 फिर -1 और +2, 1 -1 और 2, जब 1 की बात होगी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, जब 1 की बात होगी ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, जब 2 की बात होगी ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे। तो अब इसको इसके साथ रख दें, माइनस इसको इसके साथ रख दें जी, पहले इस डायगनल को रख दें जो प्रिंसिपल डायगनल है या मेन डायगनल है, माइनस करके ये जो दूसरा डायगनल उसको रख दें और माइनस कर दें जी। नाउ वी हैव योर आंसर इज -2 जी, हमारा आंसर क्या करती -2। अच्छा इसको जिस मर्जी तरीके से रो 1 से एक्सपेंड करें, रो 2 से एक्सपेंड करें, रो 3 से करें, C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, आंसर जो है ना यूनिक होगा जी। भाई आंसर क्या होगा जी, यूनिक होगा जी जी। सिंगुलर मैट्रिक्स, भाई सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और सिंगुलर उसको कहना है जब उसका डिटर्मिनेंट का आगाज 0 जी। भाई जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स बोला,
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, चेक करना है कि सिंगुलर है कि नहीं जी, आपके पास गिवन मैट्रिक्स ही, इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन डालेंगे भाई, मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स डालते हैं और डिटरमिनेंट्स में लाइन डालते हैं, अब इसको इसके साथ डायगोनल्स को माइनस कर दें तो भाई आंसर जीरो, तो इसका मतलब क्या अगर ये सिंगुलर है जी। इसी तरह वी हैव दिस मैट एग्जाम्पल टू, आपने चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं जी, लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है जी, तो आपने कंसिडर ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इसका डिटरमिनेंट आगे तो लाइन सीधी आ जाएगी, अब इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो वन, तो वन माइनस टू और प्लस थ्री, वन माइनस टू प्लस थ्री, वन की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, टू की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, थ्री की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, आप देखें कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट निकला जीरो जी। अब डिटरमिनेंट जीरो हो तो मैट्रिक्स का भी सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो तो वो नॉन सिंगुलर थी जी भाई, अगर डिटरमिनेंट जीरो तो वो सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना तो वो नॉन सिंगुलर जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, भाई ये सिंगुलर है, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ये, अगर सिंगुलर तो इसका डिटरमिनेंट होगा इक्वल टू जीरो, भाई अगर सिंगुलर तो इसका डिटरमिनेंट होगा जीरो, और अगर डिटरमिनेंट जीरो तो वो सिंगुलर थी भाई, जो सिंगुलर होगी उसका डिटरमिनेंट जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होगा वो सिंगुलर होगी जी, तो आपने इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो रखा था, आप खोलेंगे इस डायगोनल को जरूर दें माइनस डायगोनल्स का डिफरेंस है जी, भाई डायगोनल्स को जरूर देखें उनका डिफरेंस ले लें, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू जी, लिहाजा दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी कि अगर एक्स का मैं टू रखूँ भाई, एक्स का अगर रखूँ टू रखूँ तो ये ए मैट्रिक्स का बन जाएगी सिंगुलर बन जाएगी। अब सिमिलरली एग्जाम्पल फोर, आपके पास ये मैट्रिक्स है इस सिंगुलर है, देन के फाइंड करना, फाइंड वैल्यू ऑफ के, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, आपने चेक करना के नो, इसका डिटरमिनेंट का होगा इक्वल टू जीरो जी भाई, यानी का डिटरमिनेंट का होगा जीरो जी। अब जरा देखिएगा इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो वन, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, भाई जब टू की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, जब थ्री की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, जब फाइव की बात होगी तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे जी, भाई ऊपर नीचे दायमा छोड़ देंगे, अब इसको आप ओपन करें डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेके डिफरेंस रेंज वी गेट, आप इसको इकट्ठा करेंगे, आप डिटरमिनेंट खोलना ये प्रैक्टिस के साथ आएगा जी। आप तो देखें भाई जरूर जी, फिर आपने के वाली निकली वन बाय टू, के की वैल्यू निकली वन बाय टू, लिहाजा के की जहाँ पे वन बाय टू रखोगे तो केवल मैट्रिक्स का बन जाएगी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स, पहले स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इस सेट टू बी नॉन सिंगुलर, उस वक्त नॉन सिंगुलर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा जी, जब इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो भैया सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर जी, भाई अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर, शो दैट दिस इज नॉन सिंगुलर, आपने चेक करना है ये नॉन सिंगुलर है भैया, आपने चेक करना है ये नॉन सिंगुलर है, नो प्रॉब्लम जी। तो भाई जन देखिएगा आप ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको ए कह देंगे, जब इसका डिटरमिनेंट आएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट लाइन स्ट्रेट हो जाएंगे, नो इसको ओपन करें डायगोनल्स को जरूर देखें उनका डिफरेंस है, तो भाई जन क्या होगा 15, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगी, लिहाजा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, भाई मैट्रिक्स से क्या कहलाएगी थी नॉन सिंगुलर, ये 3x3 है, शो करना है कि दिस इज नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करना है, भाई लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स, भाई लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट डालें, तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास ये है जी जी। आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला जी, जी डिटरमिनेंट निकाला, आंसर निकला 7, भाई आंसर क्या निकला 7, देखें वो सिंपल हमने एक्सपेंड किया, वी गेट ए डिटरमिनेंट 7, लिहाजा ये जीरो नहीं है, लिहाजा क्या होगा जी नॉन सिंगुलर होगा जी, भाई ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या कहलाएगी जी नॉन सिंगुलर जी, भाई ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये क्या कहलाएगी नॉन सिंगुलर जी।